हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। रियली आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज आज प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिस प्रोडक्ट के बारे में आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ, वो जुड़ा हुआ है हमारे स्किन केयर रूटीन से, हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट से, एंड जो हम मेकअप करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। तो एंड मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहूँगी कि ये जो प्रोडक्ट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ, हो सकता है कई सारी विमेन इसके बारे में जानती हूँ, यूज़ भी करती हूँ, कई सालों से यूज़ करती आ रही हूँ, बट कुछ जो गर्ल्स होती हैं, यू नो, जो टीनेज गर्ल्स होती हैं, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, जिन्होंने अभी अभी जाना होता है कि एक स्किन केयर रूटीन भी होता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज़ करने होते हैं वो अलग से होते हैं। इवन कुछ टाइम पहले मुझे भी सब कुछ नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता था कि स्किन केयर रूटीन क्या होता है, मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं जानती थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, बहुत सारी गर्ल्स नहीं जानती हैं इनके बारे में, तो उन्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए अब ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते और मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि फेस मिस्ट क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, अगर हम लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कैसे वर्क करता है, इसका काम क्या होता है, एवरीथिंग अबाउट द फेशियल मिस्ट हम इसके बारे में आज जानेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में कि क्या होता है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपको डेली ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट एंड अमेजिंग वीडियोज के बारे में पता चलता रहेगा, मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नॉलेज का स्टार्ट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए दिखा देती हूँ कि फेस मिस्ट कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास है ये प्लम का ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट। तो आप देख सकते हैं ये कुछ आपको वाटर फॉर्म में मिल जाता है, एंड इसमें साथ में आपको मिलता है एक स्प्रे, मतलब ये एक स्प्रे बॉटल में आता है। तो जो फेस मिस्ट होते हैं वो मोस्टली हर्ब से बनाए जाते हैं, जैसे कि एलोवेरा, प्लम, रोजबेरी, इन सबको एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है हमारा फेस मिस्ट। और इसमें साथ में इन्होंने डाला होता है मिनरल वाटर और ग्लिसरीन और जो हमारे जो एक्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, ग्रीन टी वगैरह। ये देख सकते हैं कि फेस मिस्ट का काम क्या होता है। फेस मिस्ट का काम होता है हमारे जो स्किन डिहाइड्रेटेड हो गई होती है, जैसे कि आप विंटर में आप देखेंगे तो आपकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, एंड अगर आप मोस्टली समर में देखें तो हमारी स्किन में काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उसको जब भी आप फेशियल मिस्ट अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन में एक हाइड्रेशन मिलता है, जिससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर आप अपनी स्किन को डिहाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। एंड मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि मार्केट्स में आपको यू नो, जैसे कि ये जो फेशियल मिस्ट ये है कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन वालों के लिए, तो आपको फेशियल मिस्ट अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशन, ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन और ड्राई स्किन वालों के लिए अलग अलग तरह के आपको स्किन टाइप के फेशियल मिस्ट मिल जाते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है एंड कॉम्बिनेशन है तो ये आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, लेवल बैलेंस करके रखता है, एंड अगर आपकी स्किन ड्राई एंड फ्लेकी है तो जिस तरह का आपने अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेशियल मिस्ट चूज़ किया है तो उसमें जो क्वालिटीज़ होंगी, जो मॉइस्चराइजिंग क्वालिटीज़ होंगी, वो आपके ड्राई एंड फ्लेकीनेस को प्रिवेंट करता है और आपके मॉइस्चराइजिंग क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करता है। तो अब तो ये बात होगी कि फेशियल मिस्ट काम क्या करता है, हमारे जो भी डिहाइड्रेशन होती है हमारी स्किन को ये इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रोवाइड कराता है। तो अब हमें ये देख लेते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना होता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इनफैक्ट अगर एक शब्द में ये कहते हैं कि हमारे स्किन को ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, बट साथ ही साथ इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, लिटरली बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। आप इसकी हेल्प से अपनी स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं, अपने मेकअप को ग्लोइंग दिखा सकते हैं, अच्छे से अपने मेकअप को ब्लेंड कर सकते हैं, अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं। लिटरली मैं आपको कितने कितने यूजेस गिनाऊंगी, बस तरीका होता है कि नहीं आप यूज़ कैसे कर रहे हैं। अगर आप इसको एक सही वे में यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका हर तरह से काम करेगा, बस आपको यूज़ कैसे कैसे करना है वो भी मैं आपको लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अब हमें ये देखते हैं कि हाउ टू यूज़, तो हम अपने स्किन केयर रूटीन में इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं करते हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज मैं अगर अपनी बात बताऊं, जब मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि फेशियल मिस्ट क्या होता है, तब तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इवन जब मैंने इसका नाम सुना तब भी मैंने इसके बारे में नहीं जाना, इसकी क्वालिटीज़ के बारे में नहीं जाना, मैं जस्ट इसको समझती थी जस्ट एक ये फैंसी वाटर है और कुछ भी नहीं है। बट अगर आपने इसको नहीं यूज़ किया तो आप इसके बारे में नहीं जानते, अगर आपने यूज़ किया है देन आप कभी भी फेशियल मिस्ट लगाना नहीं छोड़ेंगे। आप इसकी क्वालिटीज़ अगर अच्छे से जान जाएंगे तो आपको बहुत ही लविंग प्रोडक्ट लगेगा ये, बिकॉज मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, मैं इसको 3 से 4 बार अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है।
समर्स में ज्यादा मैं इसको यूज करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी सी यू नो ऑयली है, तो मैं इसको समर्स में ज्यादा यूज करती हूँ. विंटर्स में थोड़ी सी ड्राई रहती है, तो मुझे बिकॉज मैंने ये आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन वालों के लिए है, तो ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ही काम करती है. जब मुझे इसकी जरूरत लगती है मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ. ओके, तो सबसे पहले हम बात करें इसको कैसे यूज करना है. तो जब आप इसके अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जब अपना आपने स्किन केयर रूटीन सारा खत्म कर लिया और लास्ट में इसको अप्लाई कर लेते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं इसको अपने मेकअप को अच्छा दिखाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. जब अपना मेकअप स्टार्ट कर रहे हों तो आपको एक बात बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी होती है कि आपके मेकअप के साथ ही साथ जो आपकी स्किन जो हम अपना बेसिक जो मेकअप तैयार करते हैं, जो अपना मेकअप बेस जो तैयार करते हैं, उसमें बहुत मतलब जरूरी होता है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप अपनी स्किन को हाइड्रेशन दे सके ताकि आपका जो मेकअप है वो बहुत ही नेचुरल दिखे. ऐसा नहीं कि आपने अगर से कुछ ऊपर से पाउडर डाल लिया अगर वो दिखेगा फ्लेकी दिखेगा मेकअप तो आपको अच्छा नहीं दिखेगा. तो जरूरत होती है हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन की. ओके, तो जब आप अपना मॉइस्चराइजर वगैरह लगा रहे हो तब आप इसको लगा सकते हैं बिकॉज इसको लगाने के बाद आप फेशियल मिस्ट अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन में बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ यू नो ग्लाइड होती है. आपने फाउंडेशन लगाया, आपने मॉइस्चराइजर लगाया, आपने कोई क्रीम लगाई, जब आप इसको लगाएंगे जो भी आप अपने स्किन में अप्लाई करेंगे वो आपकी स्किन में काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो अगर आप इसके साथ में अपना मेकअप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी दो तीन यू नो दो तीन लेयर भी इसके लगा सकते हैं. जैसे कि आपने जब अपना मॉइस्चराइजर लगाया देन आप इसको अप्लाई कर लीजिए. मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपने इसको अप्लाई कर लिया और आपको इसको अप्लाई कैसे करना होता है मैं आपको बता देती हूँ. जस्ट ये आपको यहाँ पे एक स्प्रे दिया होता है एंड आपको जस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके अपने फेस पे एक दो स्प्रेस कर लेनी होती है. ओके, आपने इसको स्प्रे कर लिया देन आपने अपना फाउंडेशन लगाया. प्राइमर लगाने के बाद वगैरह भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. आप दो तीन लेयर्स की लगा सकते हैं ताकि जो आपका स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहे और आपका मेकअप बहुत ही ग्लोइंग एंड बहुत ही नेचुरल दिखे और लॉन्ग लास्टिंग भी रहे साथ ही साथ. तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड मैं आप लोगों को बताऊँ, आप एक फेशियल मिस्ट को एज अ सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज अलग अलग तरह के मार्केट्स में आपको फेशियल मिस्ट मिल जाते हैं. बहुत स्किन टाइप के अलग अलग आते हैं एंड बहुत सारे आते हैं, तो आप जिसमें जो ऐसी क्वालिटीज़ हों जो आपके मेकअप को नो स्टिक करके रखे लॉन्ग लास्टिंग, उसे आप यूज़ कर सकते हैं. आप हर फेस मिस्ट को एज अ सेटिंग स्प्रे नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ ही ऐसे फेस मिस्ट होते हैं जिन्हें आप एज अ सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं. उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, आप हर एक नहीं यूज़ कर सकते हैं, बस आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप उनके अकॉर्डिंग मेकअप डन करते हैं. तो हम फाउंडेशन के बाद सेटिंग करते हैं कॉम्पैक्ट की एंड लूज पाउडर की. अगर आपको पाउडरी फेस नहीं पसंद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फेस मिस्ट को जो भी आपका ड्राई एंड जो भी आपका पाउडरनेस दिखता है उसको कवर करने के लिए, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए आप फेस मिस्ट अप्लाई कर सकते हैं. और जो आपका नेचुरल जो आप चाहते हैं वो मेकअप लुक आपको मिस्ट कैन रिवाइव योर मेकअप व्हेन यू आर हेडिंग फ्रॉम द ऑफिस टू कॉकटेल्स. आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू नो जब हम ऑफिस में काफ़ी देर थक जाते हैं एंड आपका जो मेकअप होता है काफ़ी देर डल सा दिखने लग जाता है, तो आप अपने मेकअप को बिना वॉश किए अपने मेकअप को फिर से रेडी कर सकते हैं. आपको आपको थोड़ी सी ही कुछ ही मिनट्स में खुद को रेडी कर सकते हैं. तो आपको करना क्या है, आपको स्प्रे करना है कपल ऑफ टाइम्स एंड अपने फिंगर टिप से, ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर अपने ब्रश से आप इसको रीब्लेंड कर सकते हैं. एंड अगर आप स्पॉट कंसील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो. एंड यू आर रेडी. तो ये तो बात होगी हाउ टू यूज़ की मेकअप में यूज़ की. मैंने आप लोगों को मोस्टली चीज़ें मेकअप की ही बता दी. एंड अगर मैं इसके पर्सनल यूज़ की बात करूँ यू नो अगर जैसे ये एक ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स में गिना जाता है, तो अगर आप मेकअप में नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं बिकॉज मेकअप के लिए आपको प्राइमर आ जाते हैं, मॉइस्चराइजर आ जाते हैं, सेटिंग स्प्रे आ जाते हैं, अगर आप इसमें नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं इसको देन इट्स ओके, डोंट वरी, कोई बात नहीं है. आप इसको एज अ स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ कीजिए. आप जो अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं आप उसमें यूज़ कीजिए. आपकी जो स्किन है वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, जो आपकी बहुत ही स्किन आपकी हेल्दी फील होगी. आपको आप बहुत ही ज़्यादा यू नो आप विंटर्स में अपनी स्किन को ड्राई फील नहीं करेंगे. बस आपके आपको क्या करना है कि आपको कोई फेशियल मिस्ट लें, आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लें. तो आपकी स्किन में जो आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं आप अगर आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपना स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आपके मेकअप में आपकी स्किन में चार चांद लगा देता है. बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है. तो इसको जब भी आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में. और मोस्टली आपको ध्यान रखें कि आप सुबह में या शाम में, यानी कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में, आपको नाइट में जो हमारे दो स्किन के रूटीन होते हैं मॉर्निंग एंड नाइट का आपको दोनों में ही फॉलो करना है. बिकॉज मैं आप लोगों को ऐसा बोल रहा हूँ करना ही करना है, जस्ट मैं आपको एक सजेस्ट कर रही हूँ कि आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज मुझे तो बहुत ही अच्छा रहता है.
पर एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ना कोई फेस मिस्ट परचेज करें, आप ध्यान रखें कि उसमें पैराबेंस, मिनरल्स और अल्कोहल और ऐसा सोडियम, कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डाइज वगैरह ना हो, बिकॉज ये जो चीज़ें होती हैं वो हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, अगर ये कैमरा फोकस करे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है नो पैराबेन, सोडियम, अल्कोहल। आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है, आपको ध्यान में रखना है, तो ही आपके फेस जो मिस्ट होगा वो आपके अच्छे से वर्क करेगा। ओके, तो आई थिंक मैंने अब आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बता दिया है कि क्या होता है फेस मिस्ट, को कैसे अप्लाई करना है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, आपकी स्किन किन किन तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए दिखाया था, तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देती हूँ, बिकॉज इसके पहले मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बात करूँ। मेरा जो पुराना वाला था वो खत्म हो चुका है, एंड अभी ये मुझे जो कल परसों में ही रिसीव हुआ है, एंड आप देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी खाली भी हो चुकी है, बिकॉज मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, आई एम लविंग फेशियल मिस्ट। ओके, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूँ, बिकॉज ये भी उतना मतलब आपकी स्किन अच्छे से वर्क करता है। तो ये है प्लम का ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट, इसमें कोई भी पैराबेंस, कोई भी मिनरल, कोई भी सोडियम, कोई भी डाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करें। एंड जो प्लम के प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी होते हैं साथ ही साथ, और आपको इन्होंने सब कुछ इन्होंने दे रखा है कि इसमें क्या क्या है, इन्ग्रीडियंट्स वगैरह, एक्वा, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, और इन्होंने जो भी चीज़ें डाली होती हैं वो सभी चीज़ों के एक्सट्रैक्ट डाला होता है, मतलब कि जो यू नो जिस आप जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं जो उनका ओरिजिनल होता है, तो ऐसा ही होता है, वो एकदम से प्योर होते हैं। और साथ ही साथ ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट भी है, ये कोई भी एनिमल टेस्टेड नहीं है, अंडर डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है ये प्रोडक्ट बट। और इन्होंने इसमें बहुत ही ग्लिसरीन, लीव एक्सट्रैक्ट, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने डाल रखी हैं, इन्होंने सब कुछ इसमें डाल रखा है, फॉर दिस टाइप स्किन एंड हाउ टू यूज़, व्हाट्स इन एंड व्हाट्स आउट, इसमें सब कुछ इन्होंने डाल रखा है। आप इसके बारे में, बिकॉज मैं इसका रिव्यू नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको एक क्विक रिव्यू बता रही हूँ, सो काफ़ी अच्छा है ये। एंड इसकी प्राइसिंग है जो मैं आपको बता देती हूँ, 360 की प्राइसिंग है, एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो आपको 2 ईयर्स की मिल जाती है, एंड इसकी जो क्वान्टिटी है वो है 100 ml की क्वान्टिटी आपको मिल जाती है। एंड जो इसकी जो फ्रेग्रेंस है मैं आपको बताऊं, लिटरली आई एम लविंग दिस फ्रेग्रेंस, बिकॉज मुझे काफ़ी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है, एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कमाल की है, बहुत ही माइल्ड है, एंड आपको लगाते ही कुछ सेकंड्स में उड़ जाती है। एंड ये जो खासियत होती है वो एक जो ओरिजिनल जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उनकी ये खासियत होती है कि आपकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत देर तक नहीं रहे, एंड बहुत ही स्ट्रांग नहीं हो, बहुत ही हार्ड नहीं हो कि आपकी चढ़ जाती है जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो ना हो। यही अच्छे जो प्रोडक्ट होते जो ओरिजिनल होते हैं वो इनकी एक सीक्रेट, एक खासियत होती है, ये होती है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपका फेस अच्छे से क्लीन हो तो ही आप इसको यूज़ करें, बिकॉज क्या होता है कि जो इसके ड्रॉप्स हैं, क्योंकि ये एक वाटर फॉर्म में है, तो ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होते हैं, एंड अगर आपके फेस पर डर्ट पॉल्यूशन होगा तो वो भी आपकी स्किन के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसके कारण आपको पिंपल और एक्ने की एंड ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। आप लोग लाइक करते हैं, कॉमेंट्स करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से आप लोग मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं ताकि मैं आप लोगों के और ऐसे नए नए वीडियोस बनाती रहूं और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, आपने वीडियो को एंजॉय किया या नहीं है, सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।